हमारे देश में हर बार अलग अलग हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो हवन किया जा रहा है वो बहुत ही अलग तरीके से किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार पूरे देश में कोरोना का कहर और इस कोरोना के कहर को दूर करने के लिए लोग बहुत ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक महायज्ञ किया जा रहा है और जो यज्ञ किया गया है ये यज्ञ एक आयुर्वेदिक पूरे प्राकृतिक चीजों से किया गया है, जिससे कि हवा का शुद्धिकरण करे और कोरोना से लोगों को निजात मिले। इसको देखते हुए यहाँ पे हवन का आयोजन किया गया है। मैं आपको ये पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी और आपको बताऊंगी किस तरह से यहाँ पे हवन का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे पंडित उपस्थित है और यहाँ पे डॉक्टर सिंह भी उपस्थित है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हवन का आयोजन क्यों किया गया है और इसके पीछे कारण क्या है। डॉक्टर सिंह भी है और वो यहाँ पे लोगों के लिए यूज की कुछ चीजें बता रहे हैं, मतलब जो वो अपने घर पे यूज करके अच्छे से हवन कर सकते हैं और कुछ पैकेज है। डॉक्टर सिंह भी वो ये सब चीजें कहाँ से बाय करेंगे और कैसे उनको यूज करना है इसके बारे में आप बता दीजिए। मेरे को जो है एक विश्व गायत्री मंडल की तरफ से सूचना मिली थी कि नागपुर में मिशन मुकेश जी के बनाते हैं। मैंने आपको तो ये सिर्फ नागपुर में ही मिलता है? नागपुर में मिलता है, पूरा वैज्ञानिक ढंग से बनाया हुआ है। ये जो है हवन कुंडी है, जो आप देख रहे हैं वो हवन कुंडी है। इसके लिए हमने आपको एक महीने के लिए 30 वाट दी हुई है। इसको खोलकर जो है आप इसको इसमें डालेंगे और फिर ये डालेंगे, या पहले ये डालेंगे, इसमें घी लगाकर इसमें अंदर डाल देंगे। नंबर वन ये प्रज्वलित हो जाएगा। इसके बाद में ये कंडी है वो भी गोबर में से बनी हुई है। ये गोबर की कंडी बनी हुई है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पाउडर है जो ये यूज करेंगे हवन के लिए। थोड़ा थोड़ा हवन में डालना है, 10 मिनट लगती है। इसके लिए हमने एक ऐप भी बनाया है। उस ऐप का नाम बता दीजिए मुझे। वही है गायत्री यज्ञ ऐप। गायत्री यज्ञ ऐप है जिस ऐप पर आप जाके वहाँ से इन चीजों को बाय कर सकते हैं। वहाँ से ही आपको ये सब चीजें मिलेंगी और आप मतलब ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। कितने दिनों में ये चीजें उनके पास आएंगी? विदिन 3 to 4 डेज। आपको ऑर्डर करना है वहाँ से आपके पास पहुँच जाए, आपको उसका पेमेंट दे दीजिए और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। पूरे एक महीने की कीमत जो है 450 रुपया घर बैठे। तो ये जो आयुर्वेदिक दवा है, मतलब जो हवन करने की सामग्री है, वो आपको सिर्फ 450 रुपए तक मिल सकती है। वो भी एक महीना चलेगा तो कितने आसानी से आप हवा शुद्धिकरण करने के लिए हवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में भी ये एक सकारात्मक, कैसे बोल सकते हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो चीजें हैं वो कितनी मात्रा में यूज करा जाएगा और क्या रहेगा, कैसे इसका टोटल? अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो 30 पार्ट बना दीजिए, लेकिन टोटल जो है वो 150 ग्राम है। ये 150 ग्राम है, ये 150 ग्राम है, यानी 10 ग्राम। तो 10 ग्राम जो है आपके घर के लिए शुद्धि के लिए इनफ है। आप अपने वर्किंग स्थल पर भी कर सकते हैं। नंबर दो, नंबर तीन के अंदर में ये जब करते हैं तो उसके साथ में गायत्री मंत्रोपचार उस ऐप में ऑनलाइन भी ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। कौन सा पाउडर है, मतलब कौन सा? इसके अंदर में मैंने आपको बताया ऐसा करके, इसके अंदर में चंदन है, कुशीर है, हल्दी है, फिर उसके बाद में हमारे वहाँ पर जो है यूज होता है वो विड़ंग है, जो सब कुमी गिना और इसमें सब सुगंध है। इसके अंदर में चंदन है, उसके अंदर में उशीर है, उसके अंदर में फिर अपने वहाँ पर ये जो यूज होता है क्या बोलते हैं अपना हवन के अंदर में लाल चंदन और श्वेत चंदन और हल्दी, ये सब इसमें जिसको गंध कहते हैं। या तो आप कुंपट में जो करते हैं जो क्या बोलते हैं अगर अगर धूप, ये इनके सब उसमें गूगल है, कपूर है, ये सब उसमें सब प्रमाणित रूप में मिक्स है। और ये जो है आप अपने घर के लिए इनफ है। तो रोज सुबह 10 मिनट निकालिए, सुबह नहीं तो दोपहर, दोपहर नहीं तो शाम, लेकिन सुबह और शाम का टाइम जो अपने वहाँ पर जो लिखा है प्रातः काल और सांझ काल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस ये हवा में रहते हैं, इन बीच में ही आते हैं। तो इन बीच के अंदर यदि आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की मतलब नहीं दिखाएगा। एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनी वायरल इन्फेक्शन और एनी माइक्रोब्स जो हवा में रहते हैं जो आपके शरीर में जाकर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति यदि कम है तो बीमारी करते हैं उसको रोकते हैं। दूसरा, अग्नि आपको ऊर्जा देती है। 3 नंबर में मंत्रोपचार आपका मानसिक उपचार करते हैं, आप
आपकी साइकोसोमेटिक कोई भी डिजीज है या आप परेशान है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये यज्ञ वो करेंगे अपने घर में, तो उस टाइम क्या हमें किसी मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। वो मंत्र क्या है? तो बेसिकली हमने ये जो है वो गायत्री मंत्र, लेकिन आप अपने इष्ट देवता का भी नाम ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी देवता का नाम लेकर वो यज्ञ पूरा कर सकते हैं? सब एक ही, वास्तव में सब एक ही है, लेकिन अपने ढंग से अगर आप जिसकी भी पूजा करते हैं उससे क्या होता है, ध्वनि जाती है, वो अपमान में जाकर आपको जो है पॉजिटिव वायरस देती है और आपके अंदर में नकारात्मक और सकारात्मक में देती है। जब आप उठते हैं तब फ्रेश होते हैं, आपके बॉडी के अंदर में रहा हुआ CO2 जो है वो कम हो जाता है। पंडित जी, आपसे इसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवा है जो मतलब वो इजीली कहीं भी पा सके या खरीद सके, जो आपका प्रोडक्ट हो वो कहीं पे उनको मेडिसिन कहीं पे मिल सकता है किसी दुकान पे? नहीं, ऐसा है कि अभी जो कोरोना के समय में जो दवाइयाँ होती है वो एलोपैथिक स्टोर भी रखते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले आयुर्वेद में मिलता है, लेकिन दिस एपिडेमिक्स में वर्ल्ड वाइज हर जगह पे अवेलेबल होते हैं और हर एक जगह पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी ब्रांड बना के रखी है, कोई एक ही ब्रांड नहीं है। लेकिन ये जो है वो हमारी प्लास्टर गौर के ऊपर में बनी हुई एक ही ब्रांड है, इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं और आप इसमें भी देखेंगे नैनो यज्ञ, इस सामग्री का नाम ही नैनो यज्ञ है। यानी कि आपका पूरा जो इतना बड़ा है वो माइक्रोफोन्स के अंदर में छोटे समय के अंदर में आप सब कुछ पा सके और कोई भी शास्त्रीय विधान इसमें से नहीं हटा है। आपके अंदर में यज्ञ कुंड, इसके अंदर में गोबर वाला, इसके अंदर में दिया, इसके अंदर के अंदर में रही हुई सामग्री, ये सब कुछ जो है जो अपने सभी भी शास्त्र में लिखा है, सभी विधान में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, सभी का कॉम्बिनेशन करके ये रिसर्च टेक्नोलॉजी के बेस पर बनी हुई है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। मैं सभी लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने अपने घर में जब तक कोरोना 2021 तक न जाए रोज उससे करें, खुद स्वस्थ रहे, आपके परिवार स्वस्थ रहे और आपके आजू बाजू के लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर होता है तो पूरी हवा शुद्धिकरण हो जाने से पूरा समाज और पूरा एरिया ठीक रहता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं हिंद माता का आपको खास तौर पे बहन का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने व्यस्त समय में वो शॉर्ट नोटिस पे आए और इतना टाइम हमको दिया। इसको अच्छी तरह से आप सुने समझे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो सीधा डॉक्टर महेश संघवी 9322714272 पर आप कभी भी व्हाट्सएप, SMS और सुबह 9 के पहले और रात को 9 के बाद आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद। अस्तु। सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सब लोग सुखी रहे। तुम्हें शुभकामना के साथ हवा शुद्धिकरण करो, खुश रहो, तुम्हें समाज में खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुकुमार जोशी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करके लोग कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब ये पेंडेमिक हो रहा है, जब बीमारी होगी तो लाखों रुपया होता है खर्चा और उसमें हॉस्पिटल में कोई दवाई है नहीं। आज तक कोई भी मेडिसिन है नहीं, ना एलोपैथी है ना ये, लेकिन आयुर्वेदिक से 100% क्योर है। इवन ICU में अभी वो प्रयोग किया है जो SpO2 जिसको बोलते ऑक्सीजन के लेवल का जो सर ने बोला था 95 के नीचे, तो वो भी बढ़ने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उसमें से ये जो मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन नहीं है, ये प्रिवेंशन है। एक घर के लिए 5 आदमी या 6 आदमी रहेंगे तो पूरा बिल्डिंग, यानी 4 महल का बिल्डिंग होगा, 5 महल का बिल्डिंग सब देखो कि इसका डिसइंफेक्शन हो जाता है। नॉट ओनली 1,000 square feet, ये पूरा घर का पूरा बिल्डिंग का डिसइंफेक्शन हो जाता है और इसकी कॉस्ट है खाली 1,500 रुपये पर डे। यानी तुम्हारे घर का 5 आदमी होगा तो उसको हार्डली 1-2 रुपये खर्चा होता है, लेकिन पूरा बिल्डिंग को इससे सेफ रखने का काम ये करता है। इट इज़ वेरी गुड, नॉट एज अ रेमेडी बट एज अ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होगा तो स्वस्थ रहेगा आदमी नेचुरली। डॉक्टर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली भी होते हैं, कुछ गरीब तबके के लोग भी होते हैं जो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए या वहाँ पे जाकर दवा का खर्चा उठाए, तो ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवा है जो इस समय इस कोरोना काल में उनको बचाने में बहुत ज्यादा आवश्यकता हो? एकदम सिंपल, वो जो कपूर है ना, भीमसेन कपूर जो लिखा है सफेद, वो कपूर और थोड़ी राई और तुलसी का पत्ता, इतने लिए खाली 1 रुपया भी खर्चा नहीं, उसके लिए 8 आना भी खर्चा नहीं, उतना भी सुबह और शाम 2 बार जलाएंगे तो पूरा घर डिसइंफेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे कि अभी और ये हर हॉस्पिटल में भी करना चाहिए, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उनसे जो दूसरे को फैलेगा वो भी रोक सकता है इसका। डॉक्टर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी कोरोना का जो लक्षण है वो लोगों को हो रहा है,
तो उसमें जो बड़े लोग होते हैं वो तो हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लेते हैं, उनको दवा मिल जाती है इजीली। पर जो कम लोग जो होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं या जो गरीब लोग होते हैं या आम लोगों की बात कर लेते हैं, तो उनको मतलब अपने आप को बचाने के लिए ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवा का यूज करना चाहिए जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रह सके? इस पर गर्म पानी पी सकते हैं, पानी के लिए कोई खर्चा नहीं है, गर्म करके पानी पी सकते हैं, थोड़ा तुलसी डालो उसमें दो चार, वो बॉइल करके पियो, बेस्ट प्रिवेंशन वही है। और तुलसी, चाय पत्ती, चाय पत्ती का भाव लेना, खर्चे का कोई सवाल ही नहीं उसमें, हार्डली खर्चा आठ आना भी नहीं आता है। तुलसी का पत्ता तो आपको घर घर में फ्री में मिल जाता है, वो थोड़ा बॉइल करो, चाय पत्ती तो रहती है, चाय सब लोग पीते हैं, चाय पत्ती से बॉइल करो, SPO2 जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। थोड़ा कापूर ले लो, कापूर का खर्चा कितना होता है, ये सब बिना खर्चे का ही सब काम है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा है नहीं, एकदम गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जी, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक दवा हमारे लिए अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आने वाले वक्त में भी आयुर्वेदिक दवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोगों के लिए सिर्फ यही संदेश जाता है कि वो आयुर्वेदिक दवा का यूज करें और इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।